अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम साकिब है और इस वीडियो में रिवर्स इंजीनियरिंग जो हमने लास्ट टाइम की थी उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलेंगे। लास्ट क्लास में अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें, हमने एक एप्लीकेशन ली थी, उसको आईडीए प्रो में हमने डिसअसेंबल किया था, हमारे पास ग्राफ शो हो गया था। मैं अगर यहाँ पे हमारे पास आईडीए प्रो में उस एप्लीकेशन का ग्राफ शो हो गया था, हमने अंडरस्टैंड किया ये ग्राफ कहाँ से किधर जा रहा है, बैड बॉय की तरफ जा रहा है। हमने लॉजिक अंडरस्टैंड की, ग्राफ को देखा, हमने आईडीए प्रो में इस एप्लीकेशन को लोड किया और फिर हमने कंट्रोल्ड एग्जीक्यूट करके इसके जो कंट्रोल को, अगर ये लेफ्ट जा रहा था तो हमने राइट इसको मूव किया और अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इसको मॉडिफाई करके इस तरह से बना लें कि हमारे पास गुड बॉय का मैसेज शो हो। हमने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया था, हमने ये नहीं देखा था कि एप्लीकेशन एक्चुअल में ढूंढ क्या रही है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि एप्लीकेशन एक्चुअल में मांग क्या रही थी और हम फिर वो चीज़ उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये एक ब्लॉक है और हमने ये देखा कि यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक बैड बॉय की तरफ चला जाता है और एक दूसरी लॉजिक की तरफ चला जाता है। यहाँ पे अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एक होगा विंडोज़ एपीआईस, ये जिस तरह हमारे पास क्रिएट फाइल की एक एपीआई है, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं हैंडल्स। मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते हुए कि आप लोगों को असेंबली की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। दो कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में हमें काम आएंगे। एक है हैंडल। हैंडल ये होता है कि जब भी आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और आप कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो फाइल है या आप की रजिस्ट्री है, आप किस किसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक्सेस में आ जाता है, आप उसको रीड करना चाह रहे हैं या उस पर राइट करना चाह रहे हैं, तो हैंडल काम आता है। हैंडल बेसिकली रेफरेंस होता है जो आपका प्रोग्राम उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए उस फाइल को कॉल करता है कि भाई ये रेफरेंस है। लेट्स से रेफरेंस आप कह लें कि 153 एक नंबर असाइन हो गया उस खास रिसोर्स को, फिर आप 153 को कॉल करके उस पे उस रिसोर्स को रीड कर रहे होते हैं या फिर राइट कर रहे होते हैं। तो जस्ट अज्यूम के आप एक रेफरेंस, एक रिसोर्स मांग रहे हैं और उस पे वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो हैंडल है वो नल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर वो फाइल अवेलेबल है तो हैंडल जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा नॉन ज़ीरो होगी। इसकी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह से देता हूँ कि लेट से अब यही वही प्रोग्राम हमने दोबारा ओलीडीबगर में लोड किया। ब्रेक पॉइंट्स, अब यहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने इसको क्रिएट फाइल में एक ब्रेक पॉइंट डाल दिया और मैं अपने प्रोग्राम को कहता हूँ यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट पे आप जाके रुक जाएं। अच्छा, अभी ई एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है। हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी असेंबली में जब भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, हमेशा उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो ई एक्स में स्टोर होती है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक एपीआई को कॉल कर रहा है, क्रिएट फाइल, ठीक है। क्रिएट फाइल की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक्सेस जो आप करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, क्रिएट फाइल से मुराद ये कि वो चेक करता है कि अब फाइल नेम दिया हुआ है, की फाइल डॉट डेट, रीड जेनेरिक रीड, इसका मतलब है कि ये उसको रीड करना चाह रहा है। लेट्स से अगर फाइल क्रिएटेड है तो उसको ये रीड करे, ठीक है। और ये ओपन एग्जिस्टिंग मींस कि ये क्रिएट नहीं करेगा, ये ओपन एग्जिस्टिंग को ढूंढना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पे हमारे पास वो फाइल पड़ी होनी चाहिए, अगर पड़ी होगी तो हमारे ईएएक्स में कोई वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो ये ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी या FFF आ जाएगी, ठीक है। तो अभी चूंकि सिस्टम में फाइल नहीं पड़ी हुई, आपने EX की वैल्यू को देखने की, EX की वैल्यू कहाँ क्या आती है, ये चीज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट है हैंडल का। हैंडल
ये रिटर्न करेगा हैंडल, कि वो जो रेफरेंस, आप ये समझ लें कि रेफरेंस को रिटर्न करेगा। मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। FFF से मुराद ये है कि उसको वो फाइल नहीं मिली, नेगेटिव माइनस वन। ये कंपेयर कर रहा है कि अगर EX में माइनस वन है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या काम करेगा, जंप इफ नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं है तो आप जंप कर जाएं, ठीक है। जीरो नहीं से मुराद ये कि अगर दोनों सेम नहीं हैं तो आप इधर जंप कर जाएं, अदरवाइज हमने देखा कि जंप इज़ नॉट टेकन। इट मीन्स के ऊपर वाली कंडीशन में जो दोनों वैल्यूज थी वो सेम थी। हम नीचे आते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो मैसेज शो हो जाता है वो हमारे पास हो जाता है इवेल्यूशन पीरियड आउट ऑफ डेट। अगर हम आईडीए प्रो में भी देखें तो यहाँ से चूंकि उसको वैल्यू नहीं मिली वो हमारे पास इस बॉक्स में आ गया। तो हमने बेसिकली इसको मूव करना है 109A पे मूव करना है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के मुताबिक इसको एक फाइल चाहिए, की फाइल डॉट डेट। हम क्या करते हैं, उसी जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी है, या तो वो पाथ देगा सी ड्राइव स्लैश विंडोज समथिंग में फाइल मांग रहा होगा, या फिर अगर नहीं किया हुआ तो हम उसी जगह पे एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसको मैं सेव एस करता हूँ की फाइल डॉट डेट के नाम से, मैंने सेव कर दिया। ये हमारे पास फाइल आ गई। आप उसमें फिलहाल अभी हम डमी वैल्यूज डाल रहे हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअली कर क्या रहा है। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रिवाइंड करता हूँ और दोबारा ब्रेक पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि क्रिएट फाइल के पास आके ये रुक जाए। तो यहाँ पे आके रुक गया। अब आपने वैल्यू को देखना है ई एक्स की, कि भाई चूँकि इसको फाइल मिल चुकी है तो जो हैंडल है वो बेसिकली एक रेफरेंस है और हमें एक एक उसका रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। मैं एक स्टेप नीचे आता हूँ, एक एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमने ये देखा कि वो जो रिसोर्स ये मांग रहा था उस रिसोर्स वो रिसोर्स इसको मिल गया है और उसको ये एक इसने एक रेफरेंस उसको असाइन कर दिया। कंपेयर कर रहा है कि अगर माइनस वन से कंपेयर कर रहा है, कंपेयर बेसिकली दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करता है, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ऑब्वियसली उसका आंसर ज़ीरो होगा, अदरवाइज उसका आंसर नॉन ज़ीरो होगा। तो कंपेयर का फंक्शन इस तरह का होता है, ठीक है। और ये देखें कि जंप इज़ टेकन, ठीक है, और ये जंप कहाँ पे कर रहा है, 9A पे। तो हमने लास्ट वीडियो में 9A पे कंडीशन चेंज करके 9A पे हम लेकर आए थे, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हम 9A पे यहाँ से कंडीशन को हमने चेंज किया था और हम 9A पे लेकर आए थे। अब हमने कंडीशन चेंज नहीं किया और हम यहाँ पे मूव हो गए। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लॉजिक अंडरस्टैंड करके एप्लीकेशन को मॉडिफाई किए बगैर, चेंजिंग्स किए बगैर हम गुड बॉय तक जा सके। हम देखेंगे भाई ये प्रोग्राम असल में मांग क्या रहा है। अच्छा, 9A तक आ गया। ओके, अब हम नीचे आते हैं, जंप इज टेकन, तो ये 9A तक आ गया। ओके, अब इसने फाइल जो ये रीड करना चाह रहा था उसका हैंडल आ चुका है और उसका हैंडल हमने देखा कि 44 है। अब ये रीड फाइल की API को कॉल कर रहा है और ये उसके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, उसको ये सबसे पहले पुश करेगा स्टैक में। अभी स्टैक क्या होता है इस पे फर्दर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसमें हमें स्टैक का इतना रोल नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि EX को पुश कर रहा है, मींस के 44 जो जिस हैंडल जो फाइल है जो उसको हैंडल असाइन हुआ है 44, उस फाइल को ये रीड करना चाह रहा है। ओके, अब ये रीड करना चाह रहा है उसका जो भी कंटेंट होगा वो उसको लेगा और कहीं पे ये स्टोर करेगा। नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये
चेक करें कि भाई अभी हमारे पास ex की वैल्यू 1 है, चेक टेस्ट करें ex, ex टेस्ट जो है बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि वैल्यू नॉ जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो उसकी बेस पे वो चेक लगाएगा। अगर लेट से फाइल में इसको कुछ भी नहीं मिला तो ex की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। जंप इफ नॉट जीरो, यानी कि अगर जीरो से मुराद ये कि अगर वो सेम नहीं है, अगर आंसर जीरो नहीं है, जंप इफ नॉट जीरो तो आप इधर जंप कर जाएं, जंप इज टेकन, तो ये बी फोर में आ गया। हम अगर यहाँ पे देखें तो अब ये देखें, हम इसको इसने फाइल को रीड कर लिया, मीन्स के फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ था और बगैर मॉडिफाई किए हम बी फोर में आ चुके हैं। अच्छा, जब हम बी फोर में आते हैं फिर हम ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले एग्जॉर करते हैं। एग्जॉर से मुराद ये कि बी एक्स की वैल्यू को क्लियर आउट करेगा। आप देखें बी एक्स की वैल्यू जो है वो क्लियर आउट हो गई, ई एस आई की वैल्यू भी ये क्लियर आउट कर रहा है, एग्जॉर जो है उसको क्लियर आउट कर देता है, ठीक है, ओके। हाँ, ये बेसिकली क्या काम करे, पॉइंटर डेटा जो हमारे पास सेगमेंट है, एक एड्रेस है हमारे पास, अगर मैं फॉलो इन डंप ये देखें, अच्छा वैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो एड्रेस है उसमें ए पड़ा हुआ है। आपको याद होगा मैंने उसकी जो टोटल हमारे पास लेंथ है वो मैंने 10 है हमारे पास, 10 जो है वो हेक्स में ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये चेक करें ए जो है क्या 10 के बराबर है या नहीं। कंपेयर 10 आपके हेक्स में, 10 होता है, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 16 के बराबर होता है। मीन्स ये समहाउ उसकी लेंथ को देख रहा है कि ये जो लेंथ्स अभी आपने जो फाइल के अंदर जो डेटा था क्या वो 16 के बराबर है। नीचे आते हैं, चूंकि हमने ये चेक किया कि हमारी वैल्यू ए है और ये ए से मुराद 10 है, 10 को कंपेयर कर रहे हैं 16 के साथ। नीचे आते हैं, जंप इफ लेस देन, अगर जो भी ऊपर वैल्यू आई है वो अगर लेस है तो आप जंप कर जाएं, देखते हैं कि किधर जंप करता है, जंप किधर करता है, तो ये बैड बॉय की तरफ जंप कर जाएगा। यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं लेट से प्रोग्राम को लेकर आता हूँ और हमने बैड बॉय की तरफ आ गए, बैड बॉय हमारे पास डिस्प्ले हो गया, कोई मसला नहीं। हम क्या काम करते हैं, ये यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 16 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं क्या काम करता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये चूंकि फाइल अभी रीड हो रही है, ये जो प्रोग्राम है इसने उसको ओपन किया हुआ है, इस वजह से मैं उसमें चेंजिंग्स नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ से दोबारा उसको सेव करता हूँ और मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, और मैं सबसे पहला ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, मैं क्रिएट फाइल में और देखूंगा, जब एक ई एक्स में मैं नोट कर रहा हूँ कि 44 हैंडल आ गया, इट मीन्स कि इसको फाइल मिल गई। नंबर 1, जंप इज टेकन, हमने जंप कर लिया, उसके बाद इसने फाइल को रीड करना है, हैंडल ई एक्स का मैं जो भी है उस फाइल को कर रहा है, और रीड करने के बाद चेक करता है कि अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो वो जंप इफ नॉट जीरो, मीन्स कि अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है से मुराद ये कि उसको उसके अंदर कोई वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, तो जंप इज टेकन। यहाँ से कंडीशन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उसके अंदर फाइल है, फाइल जो है वो खाली नहीं है। बी फोर में आ गए, कंपेयर कर रहे 10 के साथ, और हमने ये देखा कि जो उसकी लेंथ है वो भी 10 है, 10 आपकी डेसिमल में 16 के बराबर होता है, ठीक हो गया, और जंप इज नॉट टेकन। इसका मतलब है हमारा जो कंट्रोल है वो अभी C1 पे है। अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि यहाँ से भी हमने कंडीशन को चेंज किया था, ये प्रोग्राम इधर जा रहा था और
जब हमने देखा कि इस पॉइंट पे आके हमें किधर जाना चाहिए, तो हमें इधर जाना चाहिए था, हमने कंडीशन चेंज की। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे हमने इसको कंडीशन को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इसको जो फाइल प्रोवाइड की है, अभी हम जो ये चीज़ मांग रहा है हम उस हिसाब से इसको वहाँ पे प्रोवाइड करें, और देखें कि ये C1 पे आ गया। अब आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, C1 अगर मैं इसको फॉलो एड्रेस इन डंप, ये बेसिकली मैंने डेटा डाला था, आप ये चेक कर लें, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और ये चीज़ डाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये अभी क्या काम करेगा, मूव करेगा AL में बाइट पॉइंटर में, मतलब यहाँ पे BX0 है, EBX0 है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे और उसमें 0 ऐड कर रहा है, मीन्स कि ये फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा। आपने देखना है कि AL में क्या वैल्यू जाती है, AL ये लास्ट 4 31, मीन्स के पहला जो हमने लेटर उसमें करेक्टर डाला था वो इसको लोड करता है, और फिर कंपेयर करते हैं क्या ये 0 है, कंपेयर AL टू 0, क्या 0 है, क्योंकि अभी जंप इफ इक्वल, अगर इक्वल हो जाता है तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि 0 नहीं है तो वो जंप नहीं करेगा। ओके, अब ये चेक कर रहा है कि ये जो वैल्यू है क्या ये 47 के बराबर है, तो ऑब्वियसली 47 के बराबर नहीं है। 47 को अगर हम चेक करें आस्की टेबल में, तो हमारे पास 47 होता है, हमने हेक्स चेक करना है, 46 47 47 जो वो कैपिटल जी के बराबर है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये चेक करें कि जो अभी हमने पहला करेक्टर है क्या वो जी के बराबर है। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये एक्चुअली कंपेयर क्या करना चाह रहा है, नीचे आते हैं क्योंकि अभी नहीं बराबर, जंप इफ नॉट 0 मीन्स कि अगर वो बराबर नहीं है तो क्या काम करेगा, BX में आएगा, BX को एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा जंप करेगा लूप में, फिर आप ये देखें कि अब BX की वैल्यू चूंकि 1 हो चुकी है तो अब वो सेकंड इंडेक्स है, जीरो फिर 1 अगर आपको प्रोग्रामिंग में है तो अब फर्स्ट इंडेक्स अब पिक कर रहा है, पहले जीरो इंडेक्स जो कि आपका फर्स्ट होता है, फिर अब ये 31 को, अब ये हमें किसको पिक करेगा, 32 को पिक करेगा और AL में डाल देगा। अब 32 की वैल्यू को डाल कर रहा है, चेक करें कि क्या ये 0 है, 0 नहीं है तो अगर इक्वल है तो जंप कर जाएगा, अदरवाइज वो जंप नहीं करेगा। फिर वो कंपेयर कर रहे कि क्या ये जो वैल्यू है 47 के बराबर है, 47 के बराबर नहीं है। अच्छा, हम ये चीज़ देखें कि अगर ये 47 के बराबर होगा तो ESI को इंक्रीमेंट करेगा, ESI अभी 0 है। ठीक है, ESI को इंक्रीमेंट तब ही करेगा जब इसको कोई एक लेटर जो है, कोई एक जो करेक्टर है वो 47 के बराबर मिलेगा, यानी कि जी मिलेगा। ओके, हम नीचे आ जाते हैं, BX को ये इंक्रीमेंट करता है, फिर दोबारा जंप करता है और अब 33 को पिक करता है, यानी कि 3 को पिक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और ये लूप इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। ये तब तक करेगा जब तक आपके टोटल 16 जो हैं वो पूरे नहीं हो जाएंगे। ESI अभी तक हमारे पास 0 है क्योंकि कोई एक भी लेटर अभी तक हमने जी, कैपिटल जी नहीं लिखा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये लूप ये तब तक चलेगी जब तक हमारे पास वो जो उसकी लेंथ है वो 0 नहीं हो जाएगी। तो ये देखें कि अभी हमारे पास BC हो गया। ओके, फिर हम लूप चलाते हैं, ओके, अब ये 4 को जा रहा है, 4 को चेक कर रहा है, अब 6 कर रहा है। इसके बाद इसको, अब आपने एक चीज़ चेक करनी है, हमारे पास 16 पूरे हो चुके हैं, नेक्स्ट
इसको क्या मिलेगा एल में, जीरो मिलेगा, ये कंपेयर कर रहा है जीरो से. इफ इक्वल, चूंकि अब दोनों इक्वल हैं, 16 हमारे पास पूरे हो चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, अब ये यहाँ पे आता है, कंपेयर कर रहा है क्या अब ईएसआई 8 है. चूंकि 8 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या काम करेगा, जंप कर जाएगा सीधा बैड बॉय की तरफ. मैं उम्मीद करता हूँ ये जो अभी हमने प्रोसेस किया है इससे आपको आइडिया होगा कि हमारा प्रोग्राम रीड कर रहा है और ये देख रहा है कि भाई कैपिटल जी 8 या 8 से ज़्यादा हैं या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ए एस आई की वैल्यू को देख रहा है. तो मैं क्या काम करता हूँ, इसमें 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मुख्तलिफ जगहों पे मैं 8G डाल देता हूँ, तो देखता हूँ टोटल ये 16 के बराबर हैं कि नहीं है. टोटल इसकी जो लेंथ है वो अब 16 हो गई. ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं. रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपके आपको असेंबली की अंडरस्टैंडिंग है और अगर आपको शौक है, ये चीज़ आपको बोर नहीं करेगी. अच्छा, मैंने दोबारा उस पे ब्रेक पॉइंट लगाया और मैं देखता हूँ कि इसको फाइल हैंडल, इससे मुराद ये कि इसको हैंडल मिल गया, इसको उसका रेफरेंस मिल गया. अब इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम उसको कॉल कर सकते हैं. ठीक हो गया, हम वापस जाते हैं और अब ये विंडोज़ एपीआई को कॉल करेगा रीड फाइल और उसका डेटा जो है उसके अंदर वो चेक करेगा कि क्या ज़ीरो है, ज़ीरो ई एक्स को चेक कर रहा है, ज़ीरो नहीं है तो वो आगे मूव कर देगा. जंप इज टेकन, बी एक्स को ज़ीरो कर रहा है, ई एक्स को ज़ीरो कर रहा है. ओके, अब कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो 10 है, 16 के बराबर है, बिल्कुल है. जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ लेस देन, हम इस तरह से असेंबली को इस तरह से आप उसको रीड करते हैं, जंप इफ लेस देन कम है तो आप बैड बॉय की तरफ जंप कर जाएं, लेकिन जंप नहीं है. तो अब क्या काम कर रहा है, दोबारा ये पहले लेटर को ले रहा है. अब पहला लेटर हमने जी डाला हुआ था, उसको ये पिक करेगा. अगर मैं इसको यहाँ से लोड करूँ, ये मेमोरी का, ये वाला मेमोरी का एरिया होता है, ये वाला स्टैक का एरिया होता है, यहाँ पे रजिस्टर्स फ्लैग्स की वैल्यूज होती हैं और यहाँ पे कोड होता है हमारे पास. अच्छा, चूंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो जी आई है, अभी इसको एल में इसकी आस्की 47 को मूव करेगा. पहले चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू ज़ीरो थी, ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो अब ये कंपेयर करे क्या ए एल 47 के बराबर है. चूंकि 47 के बराबर है तो ये क्या काम करेगा, ई एस आई को 1 कर देगा. ठीक हो गया, उसके बाद बी एक्स को इंक्रीमेंट कर लेगा, फिर दूसरी वैल्यू को पिक करेगा. दूसरी वैल्यू भी इसको 47 मिली, उसको इसने चेक किया. अगर अगर 47 है तो हम यहाँ पे ई एस आई रजिस्टर को देखेंगे कि यहाँ पे ये इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर दिया. फिर बी एक्स को इंक्रीमेंट किया, अब थर्ड लेटर को देखेगा, थर्ड कैरेक्टर को देखेगा, थर्ड भी हमारे पास 47 है, हमारे पास ई एस आई जो है इंक्रीमेंट हो गया, ये कंटिन्यू होगा. अब हमारे पास जो फोर्थ है वो भी हमारे पास यस है, तो ई एस आई हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया. हमने टोटल 8 जो है वो जी पूरे करने हैं. अभी नेक्स्ट पीस को नहीं मिला, 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 नेक्स्ट पीस को नहीं मिला. देखें, जब नहीं मिल रहा तो वो एसआई को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा. ओके, नेक्स्ट भी नहीं मिला,
अब इसको नेक्स्ट मिल गया है और ये दोबारा कंपेयर करे, क्या वो 0 के बराबर है? नहीं है, ठीक है। फिर कंपेयर करे 47 के बराबर है, चूँकि हमने किया हुआ है, तो ESI को दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा। ESI हमारे पास 5 हो गया। हम जंप करते हैं और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, दोबारा हमारे पास जी आ गया। दोबारा हम उसमें चेक करें, हमारे पास ये भी जी है। तो अब हमारे पास इंक्रीमेंट हमने कर दिया। अब हम मूव करें तो अब ये देखें कि हमारे पास उस जगह पे, चूंकि हम हमारे 16 पूरे हो चुके हैं, अब वो नेक्स्ट उसके पास 0 था। तो अब चेक करें, देखें यहाँ ये चीज़ हमने डाली थी, ये हमारी फाइल थी, देखें जी, ये हमारे पास था, और इससे जो नेक्स्ट है वो 0 है। अब वो चेक करें कि अगर हमारे पास जो आउटपुट जो हमारे पास है वो अगर 0 के बराबर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहती है कि चूंकि इक्वल है, जंप इफ इक्वल, अगर वैल्यूज इक्वल हैं तो आप जंप कर दें। इसने जंप किया और सबसे पहले चीज़ चेक की कि क्या ये सही 8 के बराबर है। अब चूंकि 8 के बराबर है तो हम जंप इफ लेस देन, चूंकि लेस नहीं है, आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू, 8 या 8 से ज़्यादा, लेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें कि हमारे पास अब D6 से, अच्छा यहाँ पे अगर हम D6 पे थे, ये D8 पे आ गया। मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखें, ये देखें D6 से ये D8 पे आया, और D8 से जो है वो खुद ही 0.5 पे मूव कर रहा है। तो हम यहाँ से अब ये देखेंगे D8 से कहाँ पे मूव कर रहा है, ये एरो नज़र आता है कि किधर जा रहा है। मूव किधर कर रहा है उसको हम देख लेते हैं। हम इस जगह पे हैं और यहाँ से इसने जंप करना है 205 पे। और ये हम इसने 205 पे जंप कर गया, विच इज़ अ गुड बॉय। गुड बॉय का बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने, ज़बरदस्त, हमने क्या काम किया, एप्लीकेशन। अब देखें ये जो हमने काम किया है, हमने प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, हमने प्रोग्राम की लॉजिक अंडरस्टैंड की है, हमने देखा कि ये प्रोग्राम मांग क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ ये मांग रहा था, अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये चाह रहा था कि वो फाइल इसको मिली है कि नहीं मिली, एक फाइल को रीड कर रहा था। हमने उसको वो फाइल प्रोवाइड की, वो इस बॉक्स में आया, इस बॉक्स में आके उसने फाइल को रीड किया। रीड करने के बाद उसने इस बॉक्स में चेक किया कि उसकी जो लेंथ है वो 10 हेक्स से कम है या ज़्यादा है। जंप इफ लेस देन, अगर लेस देन होती तो वो बैड बॉय की तरफ जंप कर जाता। हमने उसकी जो लेंथ है वो 16 रखी, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, जब हमने 16 रखी तो वो इस जगह पे इस बॉक्स में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि क्या उसकी वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो वो फर्दर चेक करता है कि भाई क्या ESI 8 के बराबर है। अगर 8 के बराबर है तो वो फिर सीधा सीधा हमारे गुड बॉय की तरफ आ जाता है, ठीक हो गया। अदरवाइज वो, ये आपको लूप नज़र आ रही होगी, ये जो है वो लूप बार बार करता है। आईडीए प्रो और ओली डिबगर पैरेलल में चलते हैं, हम बहुत सी चीज़ें, अब यहाँ पे हम ग्राफिकल विजुलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल्ड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं लेट से इस प्रोग्राम को बंद करता हूँ और अब आप ये देखें,
मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। आप ये देखें कि ये प्रोग्राम है मेरे पास रिवर्स में, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास गुड बाय का मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ये वो प्रोग्राम है जिसको हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मॉडिफाई किया था। मॉडिफाइड को हम करते हैं इवेल्यूशन पीरियड। अच्छा हमने ओके अच्छा हमने इसमें एट द एंड चेंजिंग्स वगैरह कर ली थी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आज इस वीडियो का वो ये था कि हम इसको मॉडिफाई ना करें, रिवर्स करें, लॉजिक अंडरस्टैंड करें और फिर हम उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करके हम इसको विदाउट मॉडिफाइंग हम इसको गुड बाय का मैसेज डिस्प्ले करें। तो ये एट द एंड हमारा हमारी आउटपुट आई। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो पार्ट टू में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमने लॉजिक को अंडरस्टैंड करना था और फिर हमने पैच करना था एप्लीकेशन को विदाउट मॉडिफाइंग। प्रीरेक्स, असेंबली की बेसिक्स, लूप और फंक्शंस का थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स, एक हैंडल, ये एज अ रेफरेंस काम आता है, इट्स अ रेफरेंस टू द रिसोर्सेज। और दूसरा विंडोज़ एपीआईज़। विंडोज़ एपीआईज़ बेसिकली रिंग थ्री या जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो ये फंक्शंस यूज़ करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से लेट्स से कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है, आप एपीआई यूज़ करेंगे। आपने फाइल क्रिएट करनी है, आप एपीआई को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई को यूज़ करके फाइल क्रिएट करेंगे। आप रीड करना चाहते हैं, आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे जी मैं इंटरनेट एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी एक ख़ास विंडोज़ बेस्ड एपीआईज़ हैं। नेट पे आपको बहुत सी एपीआईज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोग्राम जो हैं दे यूज़ देम टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑब्वियसली टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। ठीक है, रिकैप, ये वाला रिकैप हमने, ये पार्ट वन का रिकैप था। और हमारी की लर्निंग इस वीडियो का ये था कि हमने ये देखना है कि असेंबली में फाइल किस तरह हैंडल होती हैं, हाउ हैंडल एंड विंडोज़ एपीआई वर्क्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक इन असेंबली, और हमने कंप्लीट द चैलेंज विदाउट मॉडिफाइंग द लॉजिक दिस टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको डिमॉन्स्ट्रेशन की समझ आई होगी। और अगर आपके जहन में क्वेश्चंस हैं तो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि मैं उस हिसाब से फिर फर्दर वीडियोस बनाऊँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच और सी यू।